हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके वर्कशीट चल रहे हैं, तो उसका सलूशन हम इस चैनल पे आपको अच्छे से प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी से संबंधित हम आपके लिए आज लेके आए हैं कक्षा 11वीं का गृह विज्ञान का पूरा पेपर का सलूशन। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और यहाँ पर जो आपकी तारीख है वो 26 अगस्त है, यहाँ पर 25 अगस्त इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका एक दिन अवकाश दिया गया था सरकारी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मानव परिस्थिति और परिवार विज्ञान को समझाइए। तो पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा, मानव परिस्थिति अंग्रेजी ह्यूमन इकोलॉजी एक अंतर विषयक विज्ञान है जो मनुष्य मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रय संबंधों का अध्ययन करता है। विज्ञान के इस शाखा का विकास 20वीं सदी के आरंभ में एक साथ कई शास्त्रों के चिंतन फलन में हुई परिवर्तन का परिणाम है। तो इस प्रकार से आपका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है, गृह विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं व उन्हें कब सम्मिलित किया गया। तो दूसरे का आंसर आपको बता दें, तो यहाँ पे गृह विज्ञान होम साइंस शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाठशास्त्र पोषक गृह अर्थशास्त्र उपभोक्ता विज्ञान बच्चों की परवरिश मानव विकास अंतरिक्ष सज्जा वस्त्र एवं परिधान गृह निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार हो जाएगा दूसरे का। तीसरा दिया, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर आपको बता दें, तो लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में संबंध एक महिला महाविद्यालय है, यह नई दिल्ली में स्थित है। यह खाद्य प्रौद्योगिकी के स्नातक पाठ्यक्रम तथा गृह विज्ञान में स्नातक तथा परा स्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। चौथा आंसर बता दें कि कौन सा विषय मानव जीवन के विभिन्न चरणों को अच्छे से समझाता है। तो चलिए इसका आंसर बता दें आपको संक्षेप में, मानव विकास, यहाँ देखिए इसका है, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका संक्षेप में, मानव विकास में तीन मुख्य क्रमशः रहे हैं, पहला पैर, दूसरा हाथ और तीसरी मस्तिष्क का विकास। इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए दूसरा का नहीं है ये आंसर, ये है पांचवे का आंसर। ठीक है दोस्तों, चौथे का आंसर जैसे मिलेगा वैसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आपको पता है तो आप कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों मानी जाती है, चलिए इसका आंसर देख लें। देखिए संक्षेप में, मानव विकास में तीन मुख्य क्रम रहे होंगे, पहला पैरों का, दूसरा हाथों का, तीसरा मस्तिष्क का, चौथा विकास का। भारत दुनिया मनोविश्लेषकों के कथानुसार बालक का वासनात्मक विकास 5 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है, इसके बाद उसकी काम वासना अहंधीर्ध हो जाती है। वह 13 वर्ष में फिर से जागृत होती है और इस बार जागृत होकर सदा बढ़ती ही रहती है। इसके कारण बालक का किशोर जीवन बड़े महत्व का होता है। तो इस प्रकार से आपका कक्षा 11वीं का गृह विज्ञान का पूरा सलूशन हो जाता है 26 अगस्त। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।